खबर रामपुर से, जहां स्वर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। स्वर पुलिस ने उत्तराखंड के बॉर्डर पर वाहन चेकिंग के दौरान गांजे की तस्करी करने वाली अंतरराज्यीय टीम को पकड़ा है। उनके कब्जे से 21 किलो 200 ग्राम गांजे के साथ एक कार और 3 तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है। इसके चलते कोतवाल संदीप त्यागी ने अपनी टीम के साथ रामपुर बाजपुर राजमार्ग स्थित शिकारपुर उत्तराखंड बॉर्डर पर वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। इसी दौरान ये सफलता हाथ लगी है। सर, थाना स्वार द्वारा 21.2 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया, क्या है पूरा मामला? देखिए, अग्रिम लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए हमारे जो उत्तराखंड से लगी हुई सीमा है, उस सीमा पर चेकिंग की कार्यवाही चल रही थी। उसी समय हमें मुखबिर खास से ये सूचना प्राप्त हुई कि एक गाड़ी में, होंडा सिटी कार में, गांजा बड़े पैमाने पर लेकर के आया जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल स्वार की टीम तथा हमारी स्वार टीम सक्रिय हुई और दोनों टीमों ने वहाँ पर जाँच और चेकिंग की कार्यवाही प्रारंभ की, जिसमें चेकिंग के दौरान एक होंडा सिटी कार पकड़ी गई, जिसमें 3 लोग पकड़े गए और इनके कब्जे से लगभग 21 किलोग्राम 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। इससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस गांजे की कीमत लगभग 50 लाख आंकी गई है। विस्तृत पूछताछ की जा रही है कि ये गांजा कहाँ से लाया जा रहा था और कहाँ पे पहुँचाया जाना था। पूछताछ करते हुए जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आते हैं और जो भी और लोग प्रकाश में आते हैं, उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जाएगी।